सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित एक एलईडी वैन को मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एलईडी वैन जनपद में 5 दिन भ्रमण करेगी, जिसमें जनपद के प्रमुख चौराहों पर एवं सार्वजनिक जगह जहां अधिक मात्रा में लोगों का आवागमन होता हो वहां पर सड़क सुरक्षा एवं ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु जागरूक करने का काम करेगी। और उन्होंने कहा कि मैं सभी जनपद वासियों से अपील करता हूं कि ट्रैफिक नियमों का 100% पालन करें, जिससे जनपद में दुर्घटना कम हो। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट राहुल सक्सेना। सर, एक सड़क सुरक्षा तहत के एक वैन आई, एलईडी वैन आया यहाँ संभल में, तो उसका आपने हरी झंडी दिखा के उसको रवाना किया, क्या है ये पूरा कार्यक्रम? सड़क सुरक्षा नियमों के अंतर्गत शासन के द्वारा 5 दिनों के लिए हमारे जनपद में एलईडी वैन प्राप्त की है। एलईडी वैन का मुख्य मकसद यही है। वैसे तो आप पिछले 4-5 दिन से देख ही रहे हैं कि सड़क सुरक्षा नियमों पर हम प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। इस वैन के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, सड़क पर स्टंट ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, गलत लेन में ना चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें। यातायात के नियम जितने भी हैं, सड़क पर चलते हुए प्रत्येक यातायात के नियम का पालन कराएं। जो सड़क सुरक्षा माह हमारा चल रहा है 19 मई से 18 जून 2022 तक, हम अपने जनपद के सभी लोगवासियों को, जितने भी जनपद में लोग रहते हैं, उनको प्रेरित करेंगे कि यातायात के हर नियम का पालन करें, जिससे किसी भी गंभीर दुर्घटना से बचा जाए। यही इसका उद्देश्य है।